हेलो दोस्तों, आज हम विजिट करने वाले शंकु वाटर पार्क का, जो अहमदाबाद मेहसाणा हाईवे पर आए हुआ है। अहमदाबाद से शंकु वाटर पार्क 60 किलोमीटर दूर है। अगर आप मेहसाणा से आ रहे हो तो वहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। ये आप देख रहे हो पार्किंग एरिया है। यहाँ पर टू व्हील और थ्री व्हील के लिए आपको 30 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, फोर व्हील के लिए 50 रुपये, अगर सिक्स व्हील यानी कि बस लेके आ रहे हो तो आपको 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों, ये आप देख रहे हो शंकुश वाटर पार्क का खूबसूरत गेट। यहाँ से आपको एंट्री करनी है। अंदर आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ नहीं ले जा सकते। अगर आप पानी की बोतल ले जाना चाहते हो तो वो ले जा सकते हो। यहाँ से आपको टिकट लेनी है। एंट्री टिकट 800 रुपये है और जो एक बैंड देता है उसके 50 रुपये एक्स्ट्रा डिपॉजिट लेते हैं। अंदर जाके आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ या फिर कॉस्ट्यूम लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको इसी बैंड में रिचार्ज करवाना होगा। अंदर कैशलेस सुविधा है। ये आप देख रहे हो, ये चेंजिंग रूम है और लॉकर रूम है। इस तरफ आप आओगे तो यहाँ से आपको लॉकर की बैंड लेना है। उसके अलावा कॉस्ट्यूम भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। कॉस्ट्यूम के 150 रुपये है और 150 रुपये डिपॉजिट है। ये लॉकर का बैंड है। लॉकर का चार्ज 200 रुपये है एक लॉकर का, और 100 रुपये डिपॉजिट लेते हैं और लास्ट में आपको वापस डिपॉजिट मिल जाती है। यहाँ पर एक बंदे के खर्चे के बारे में बात करें तो कॉस्ट्यूम एंट्री टिकट एंड लॉकर के साथ 1150 रुपये आसपास होता है। ये आप देख रहे हो, ये फूड जोन है। यहाँ से आपको खाने पीने की चीज़ें सब कुछ मिल जाएगा। और ये कैशलेस सुविधा है, तो आपको जो बैंड में रिचार्ज किया था उसी से इसको पे करना है। तो दोस्तों, हो चुके हम रेडी वाटर पार्क में जाने के लिए। आए चलते वाटर पार्क के अंदर और देखते हैं सारी राइड्स। आइए दोस्तों, देखते हैं चिल्ड्रन राइड्स। अगर आप छोटे बच्चों को लेकर आना चाहते हो तो मैं कहूँगा शंकु वाटर पार्क में आ जाइए। यहाँ पर बहुत सारी राइड छोटे बच्चों के लिए भी अलग से बनाई हुई है। ये आप एक पूल देख रहे हो, ये पूल छोटे बच्चों के लिए है। यहाँ पर बहुत सारी राइड्स है। अगर आप सैटरडे संडे आओगे तो ये राइड्स पूरे दिन ओपन रहती है, तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप बच्चों को लेकर आना चाहते हो। ये भी एक जगह है जहाँ से नीचे से फुहारे चालू रहते हैं और बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं। ये दूसरा पूल है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए कुछ राइड्स आप देख सकते हो। यहाँ पे चार पांच राइड्स है छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे दो पूल है और एक आपको दिखाया वो है। तो छोटे बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा अगर आप सैटरडे संडे लेके आओगे तो, कि ये सैटरडे संडे राइड्स ओपन ही रहते हैं पूरे दिन के लिए। हम आप पहुंचे वाटर पूल के अंदर। वाटर पूल सैटरडे संडे आप आ रहे हो तो 12 बजे के बाद फुल डे के लिए ओपन रहता है।
आइए दोस्तों देखते हैं एडल्ट राइड्स। अगर आप राइड्स के शौकीन हैं तो मैं आपको साफ साफ मना करूंगा कि सैटरडे संडे मत आइए इस वाटर पार्क में, क्योंकि सैटरडे संडे इतनी ट्रैफिक रहती है कि इस वजह से आपको एक राइड में बैठने के लिए 1 से 1.5 घंटे का वेटिंग लगता है। तो अगर आप राइड्स में बैठने के लिए आ रहे हो तो इस वाटर पार्क में सैटरडे संडे मत आइए क्योंकि बहुत सारी भीड़ लगती है। हम यहाँ पर 1-2 की राइड्स में बैठे थे तो वह आपको दिखाने वाले, तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सी राइड्स आई हुई है। हमें इस राइड में बहुत मज़ा आया था। लेजी रिवर ये नदी जैसा बना हुआ है और आपको उसमें ट्यूब लेके बैठना है और नदी में घूम रहे वैसे यहाँ पे आपको घूमना है, तो इस राइड में आपको शायद बहुत ही मज़ा आ सकता है।
दोस्तों ये था शंकु वाटर पार्क। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की और आपको पूरा वीडियो दिखाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।